ड्रैगन बॉल सुपर का नया एनिमे आ चुका है और इसका नाम है ड्रैगन बॉल डायमो। और ऐसा कुछ हमने कभी नहीं देखा। इसमें बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टोरी है और ये मोनोरॉक नहीं होने वाला। इसमें सब लोग बच्चे बन जाते हैं और अब डीमंस भी वापस आ चुके हैं। और इसका ट्रेलर अभी अभी आया है जिसके शुरुआत में ड्रैगन बॉल की सारी हिस्ट्री दिखाते हैं, जैसे ड्रैगन बॉल की मांगा, ड्रैगन बॉल जी, ड्रैगन बॉल जीटी, फिर ड्रैगन बॉल सुपर, फिर ब्रॉली और फिर सुपर हीरो मूवी और अब फाइनली ड्रैगन बॉल डायमो। अब हम लोग अंडरवर्ल्ड को देख सकते हैं, तो शायद ये डीमन रियल में है जहाँ पर डीमंस रहते हैं, जहाँ से डबूरा भी आया था। और ये स्टोरी बिल्कुल टोरियामा ने लिखी है, मतलब ये बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी है। और हम यहाँ पे दो लोगों को देख सकते हैं और इनमें से एक सुप्रीम का भी लग रहा है, तो ये देखने में मज़ा आएगा कि ये कौन है। हमें इन कैरेक्टर्स का नाम नहीं पता, लेकिन आगे जाकर हमें पता चल जाएगा। शेनरॉन भी समान हो चुका है और अब विश मांगेंगे, और लगता है विश की वजह से गोकू और वेजिटा और सभी एक बच्चे में बदल जाते हैं। गोकू और वेजिटा बच्चे बन चुके हैं अब, बुलमा और चीची भी बच्चे बन चुके हैं, मिस्टर सेटन भी, क्रिलिन भी, और एंड्रॉयड 18 और यामचा भी, और सुप्रीम का और पिकोलो भी, जिसके साथ साथ ऑक्स किंग और मास्टर रोशी भी, और गॉटन और ट्रंक्स वापस छोटे छोटे बच्चे बन चुके हैं। और गोकू और सुप्रीम का है इसको फिक्स करने के लिए जा रहे हैं शायद, और शायद गोकू अब अपनी फॉर्म्स यूज़ नहीं कर पाएगा, तो शायद वो हमेशा अपनी बेस फॉर्म ही यूज़ करेगा। इसीलिए अब वो पावर पोल यूज़ कर रहा है, जो कि उसने बहुत टाइम से यूज़ नहीं करी है, क्योंकि उसको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग बन गया था। लेकिन अब शायद वो सुपर सैयन या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं जा सकता, तो शायद अब वो वापस अपनी पावर पोल यूज़ करेगा। यहाँ पर एक सूरज ड्रैगन बॉल में बदल जाता है, तो शायद ये सुपर ड्रैगन बॉल की क्रिएशन है। शायद हमें जलामा देखने को मिले, और ये कोई नमैकियन भी लग रहा है, तो हमें शायद जलामा भी दिख सकता है इसमें। और यहाँ पर गोकू और सुप्रीम का सो रहे हैं, और इस ट्रेलर की एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर वीस है और यहाँ पर विलेंस बाबीडी को देख रहे हैं, माजिन बू और बाबीडी को, क्योंकि वो दोनों भी डीमंस थे, तो शायद ये दोनों उन दोनों से मिले हुए हैं। और यहाँ पर गोकू और वेजिटा स्पारिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे गोकू अपना कामयाबा यूज़ करता है और वेजिटा अपना गैलिक गन। और यहाँ पर गोकू किसी रोबोट से लड़ रहा है, जैसे ड्रैगन बॉल जीटी में लड़ रहा था। और इस सीरीज़ का नाम है ड्रैगन बॉल डायमा, और ये बिल्कुल ड्रैगन बॉल जीटी की तरह दिखती है। इसके बहुत सारे आइडियाज़ ड्रैगन बॉल जीटी जैसे हैं, जैसे गोकू अब एक बच्चा बन चुका है, लेकिन ड्रैगन बॉल जीटी में सिर्फ गोकू बच्चा बना था, और यहाँ पर वेजिटा और सभी बच्चे में बदल गए हैं। और ये एनिमे 2024 में आएगा। बाकी मोरो आर्क का किसी को नहीं पता कि वो कब आएगा, लेकिन इसके लिए मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और इन दोनों विलेन में से एक सुप्रीम का भी लग रहा है, तो शायद हमें एक नया सुप्रीम का देखने को मिलेगा। अब ड्रैगन बॉल सुपर 2 कब आएगा, मोरो आर्क कब एनिमेट होगा, उसका तो नहीं पता, लेकिन शायद हमें ये नया एनिमे देखने को मिलने वाला है। तो क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो? नीचे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ तुम नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।